अलहमदल रबीन वसलासलमला सिग दिलंबियाबलिन वसल दिना व मौलाना महमद आलि वही मुबारक वसलम वसल दुनिया के तमाम देखने वालों को तमाम चाहने वालों को तमाम प्यार करने वालों को और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है जुनेदबाल की जानब से इंतहारी मोहब्बत के साथ असलम एक बार फिर नाजरीन आपको पुरूर सुबह सुब नूर के साथ मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ और आइए बिला तो चलेंगे हज़रत अबू अनिस मोहम्मद बरकत रारीफ़ अस्मा नबील करीम सल्ह वसलम से रसूल सल्ह वसलम का इस मुबारक पढ़ने और सुनने की शादत हासिल करते हैं सैदना अरहमना नासिबल आयाल वसलम हमारे सरदार अपने अहलो आयाल के साथ नरमी फरमाने वाले दरुदोसलाम विजय आपके आल पाक पर और साहबा कराम रिजवानल तजमइन पर हज़रत अब्दुल्लाबन अबासायद है कि जब यह आयत कुल्लाकमतरबा नाजिल हुई तो साहबा कराम रिजवानल तैयन अजमैन ने बारगा नबवी में अर्ज़ किया कि या रसूल सल्ह वसलम आपकी कराबत कौन है जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है तो आप सल्ह वसलम ने फरमाया कि अली फातमा और इनके दो बेटे हसन हुसैन हुसै हमारे साथ नाजीन आप आज जरूर रहिएगा क्योंकि आइए मिलकर अपनी तमाम तर अकीदतों को समेटकर उस अजीम शान हस्ती का जिक्र पाक करते हैं जो बाकिर भी हैं शाकिर भी हैं हादी भी हैं जिनके बाबा बाबाजान सैयदाजिदीन हैं जिनके दादा जान सैदुल शहदा हैं जिनके परदादा मौलाए कायनात मौला अली करमलाजुल करीम हैं।, हैं जो फ़जीलतों की और रिफतों की उस अजीम तरीन मंजिल पर तशरीफ़ फरमाए हैं कि बारह इमामों में से आप ही को ये खसूसियत हासिल हुई कि आपका सिलसिला नसब वालदा और वाल दोनों तरफ़ से हज़ू नबी करीम सलील वसलम तक पहुँचता है यानी जो ननियाल से इमाम हसन पाक साम के हैं और ददियाल से इमाम हुसैन पाक साम के हैं फिर शान मकाम मरतबा ये नाजरन कि जिन की आमद की बिशारत ख़ुद सरवरद जहाँ सल्ह् वसलम ने दी जिनको सरवरद जहाँ सल्ह वसलम को सलाम पहुँचाया गया जिनकी विलादत अपने नाना जान सईदुना इमाम हसन पाक साम की शहादत के ठीक सात बरस के बाद और अपने दादा जान सईदुना इमाम हुसैन असलम की शहादत से तकरीबा साढ़े तीन बरस कबल हुई यानी इमाम मोहम्मद बा़िर सलाम भी नाजरीन हक़ और बातिल के दरमियान लकीर खींचने वाले हुसैनियों की सफ में मुजाहिदीन की दरमियान तशरीफ लाए और यह कुदरत मैदान में नन्न अली अजगर अली शहादत फरमाया और इमाम सलाम को अल्लाह तबारक ताल ने महफूज फरमाया फिर जरा तस्वर कीजिए नाजरी कि इमाम मोहम्मद बासलम को अपने बाबा जान के सये में इकसठ हिजरी से लेकर पचानवे हिजरी तक का जमाना मयसर आया जहाँ वो अपने मुकदस वाल की सीरत पाक और उनकी जिंदगी का मुताे करते रहे और अपनी फित्री और खुदादात सलाहियतों और जाती के साथ उन तालीमात से फायदा उठाते रहे जो उन्हें अपने वाले की की तमाम औलादादी बने आप ही के सर पर बैत की इमामत का सजा और आप ही इमामत की सुनहरी लड़ी की पांचवी कड़ी बने चूंकि नाजरीन आप

ज़्यादा मौका मिल पाया आप ने और मारिफ को नुमाया फरमाया और हकाई के अकाम विकमत व लतफ़ के सरबरस्ता जितने भी ख़जाने थे नाजीन वो ज़ाहिर फरमा दिए आप के कमालत और, इल्मी, कारनामे और आप के इल्मी मकाम का क्या ही कहिए कि ख़ुद आपका फरमाना है कि हमें परिंदों की तरह ज़ुबान सिखा दी गई और हमें हर चीज़ का इलम अता कर दिया गया यानी यह वही नाजीन जिसे देखकर दुनिया आपको बाकरूम के नाम से जानती थी और इसी लकब से पुकारती थी बड़े बड़े मोजीन साहिबाने मायान और क़दर फुका आपके सामने तय किया करते थे हज़र मक्की रहमत लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बाख़िर के बरकत और कमालत और, और से उस शख्स के अलावा जिसकी बसीरत झायल हो गई हो जिसका दिमाग ख़राब हो गया हो और जिसकी तीनत तो तबीयत फासद हो गई हो कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता इसी वजह से आपके बारे में कहा जाता है कि आप यानी इल्म के फैलाने वाले और जामूम है अब मैं आपको एक बात बताऊं नाजीन यही वजह और ये बड़ी तारीख़ी हकीकत है, है कि जब कैसरे रोम ने अपनी मीशत की ताकत और उसकी घमंड के अंदर उसको के घमंड के अंदर सरवर सरवरद जहाँ की तोहन करना चाहिए तो इमाम मोहम्मद सलाम ही उस वक्त उम्मत मुस्लिमा में वाहिर हस्ती थे जो उस मुश्किल तरीन मरल में रहनुमा और राहबर बनकर उभरे जिन्होंने न सिर्फ कैसरे रोम की जानब सरकार वसलम की शान में गुस्ताखी के घटिया तरीन मनसूबे को खाक में मिलाया बल्कि उसी वक्त इस्लामी दुनिया में पहली मरतबा इस्लामी सिक्का जारी फरमाया और एक ही वक्त में नामो से रसालत की पहला और, और पूरी मुस्लिम दुनिया को यह रहती तक दे दिया कि जब गुलामी रसूल का पट्टा गले में होता है ना तो एक ही वक्त में नामो से रसालत की मुआफजत भी हो सकती है और मीशत को बचाया भी जा सकता है आज के बुनियादी तौर पर दौर के कुर्सी वालों के लिए पैगाम है जो माजरत इख्तियार करके हाथ जोड़ के मगरब के आगे खड़े होते हैं और ब्लास्ट फैमी लॉ पर खुदा ना खास्ता कॉम्प्रोमाइज करने जा रहे हैं यहन में रखिएगा हमारे साथ नाजीन तीन शख्सियात इस वक्त मौजूद हैं जो यकीन तारुफ की मोताजदी पहली शख्सियत मुमताज़ आलिद्दीन मोहरम जनाब पीर कमरशकू अहमद साहब तशी तो फर्मा है दूसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब डॉक्टर तााहिर हमीद तनावली साहब तो शी फर्मा है और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिद्दीन जनाब प्रोफेसर बशारत सिद्दीक हज़ार विशा तोशीफ़ फरमाए तीनों अब आपको असल खुश आमदेद और आखिर में मुल्क मुता जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अयू भट्टी साहब मन कब का नजराना पेश फरमाएंगे आप नाजीन हमारे साथ जरूर जुड़े रहना आगाज़ करते हैं पीर साहब आपसे जाहिर एक ऐसी हस्ती कि आप जितना इनका जिक्र पाक करें आप बोलते चले जाएँ इनकी मदावसरा जो है किसी सूरत में आप बयान नहीं कर सकते अब जरा ये बताइए साहब कि़ाहर है इनकी मदा इनकी सना तो हम क्या बयान करेंगे लेकिन आइए उन नसबी अजमतों में हिस्सा डालते हैं सबसे पहले फिर ये बताइए कि आयम अहल बैत की सुनहरी कड़ी में आपका मकाम मरतबा और ख़ास तौर पर क्या कमाल बात है इसके सरवरद जान सल्हु वसम का आपको सलाम भेजना आपको रकब अता करना और फिर अल्लाह ताली ने जो आपको शख्सियत अता की कि अजीम अलकबा जो आपकी शख्सियत के साथ जुड़े बिस्फील रही पारहाय सुफ़ गाय खुद अहल बैत नब लाखों सलाम बेश आब तथीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम खून खैरसूल से है जिनका खमीर उनकी बे लौसतीनत पे लाखों, लाखों सलाम।, सलाम आज हम जिस अजीम बारगाह में हाज़री देने की शहादत हासिल कर रहे हैं आपकी मईत में ख़ूबसूरत इब्तदाया ख़ूबसूरत अकीदत के फूल आपने पेश कर करके एक आज के प्रोग्राम का आगाज किया इस्ट्रो के ज़रिया से ये बारगा हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब और प्यारी हस्तियों में से की बारगाहों में से एक अजीम बारगाह है बेशक और हज़रत इमाम मोहम्मद बाखिर की इनफ्रादियत और अवलियात में से ख़ास बात यह है कि आहले बैत नबूवत में से आप पहले मोहम्मद हैं सुबहानल्लाजूर अल्लात के बाद अल बैत नबूत में और आयमा अहैत में हाँ। सबसे पहले जिनका नाम महम्मद रखा गया इरशाद अली शान के मुताबिक वही इलाही और लोहे महफूज के मुताबिक जो रखा गया वह हज़रत इमाम मोहम्मद बाखिर असलम सुबह वो जो मुबारक नूर हजूरतम का दोनों शहज़ादों में कुदरत ने बाँट दिया था हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हसैन आलम में वो मुबारक नूर फिर आकर हज़रत इमाम मोहम्मद बाखिर सलाम में मुज्तमे हुआ जमा हो गया इस तरह के आपके वालद गिरामी हज़रत अली बिन हुसैन सैदना इमाम जैनदीन सलाम है और वालदा माजदा से ना इमाम हसन सलाम की प्यारी साहबादी हजरत फातिमा बिनतुल हसैन फातिमा बिनत हसन है इसीलिए आपके महज्ज अलबात में एक लकब जो है वो इबन अरा हाँ। जिस अच्छा। हस्ती में दो खैरें जमा हो गई हसनी खैर भी जमा है और हुसैनी खैर भी जमा है इसलिए आपका ये बहुत मुनफरद लकब और ये आईमा आल ब्यात में एक ही इब्न अखैरातैन है वा, 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 से इब्तः हुई इस मुबारक शान की कीजमत की हजूर सैद आलमीन सल्लाम ने अपने तमाम प्यारों के आइमा यहालबातार के मज्ज़ अलकाबात उनके नाम भी बयान फरमाए थे और उसी में हज़रत इमाम मोहम्मद बाख़र बाखिर का मुबारक नाम आपके आपने अपने प्यारे सहबी हज़रत जाविर बिन अब्दुल्ला अंसारी अनसारी ऱील्ला के ज़रिया से उनको बताया था हज़रत जाविर बिन अब्दुल्ला अंसारी तबका ऊला में मुहदसिन ने उन्हें शुमार किया है बहुत अज़ीमल मरतबत हस्ती हैं उनके वालद हजरत अब्दुल्ला जो शहीद उहद हैं को मामूली शख्सियत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तवायत करते हैं इमाम इबन हजर मक्की रहामत और दीगर मुहदसिन आल सुन्नत के उन्होंने अपनी अपनी कुतब में इस हदीस को से रोशनी और जीनत पाई है जी। वो बयान करते हैं कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी अब्दुल्लानी रदील्ल् ताल हज़ूर की खिदमत बाबरकत में हाजिर थे और वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन देखा कि मेरे आखा की आगोश में हज़रत इमाम हुसैन आसमाम हैं और हजूर उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तो आपने मुझे मुखातब किया और फरमाया जाबिर अल्लाह रब्लत मेरे इस छोटे नवासे हुसैन को एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम तो अली होगा लेकिन वो इस कदर इबादत गुजार होगा कि जैन अब के, के लकब से मशहूर आबिदों की जीनत और अगर यूं कहें सफ़े आबिदीन सच जाए वो जैन वा, 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 क्या अच्छा क्या, क्या जुम्मन तो फरमाया अल्लाह उसे एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम तो मुहम्मद होगा लेकिन उससे मेरा इल इस तरह फूटेगा इस तरह फूटेगा कि वो बाकिर के लकब से मशहूर मारूफ हो जाएगा बाकिर का लवी माना वसत देने वाला कुशादगी देने वाला यानी नबावी को ऐसे बांटेगा कि अपने और पराए सब इस बात के मोतरफ हो जाएंगे कि ये मोहम्मद तो बाकिर हैं दरअसल जो नबावी को इतनी वसत दे रहे हैं इस कदर बाँट रहे हैं इसी तरह आपके मज्ज़ अलकाबात में से शाकिर हादी शाकिर हादी तो ये सभी हैं लेकिन हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र सलाम की यह आज़मत है कि अल्लाह रब्ज़त ने उन्हें देखें आपने एक खूबसूरत जुमला इक्शात फरमाया इंट्रो में मैं उस जुमले को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि छः माह के हजरत शहजादा अली असगर तो जाम शहादत नोश करें जी जी और हजरत इमाम जैनदीन आलाम भी मैदान करबला में बचाए जाए बचाए जाए और हजरत इमाम मोहम्मद बाखर को बचाए जाए ये वो निज़ाम हिदायत है कुदरत की तरफ से जिसे अल्लाह इज़्ज़त अपने दीन की बका के लिए रखना ज़रूरी समझते हैं इस वजह से हज़रत इमाम जैनिदीन आलम को मुबलाए बुखार करके क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन आलाम के बाद मसंद इमामत पे उन्होंने जलवागर होना था और फिर अज़रत इमाम बाकर हज़रत इमाम मोहम्मद बाखिर आसाम हज़रत शहज़ादास्कर का काम कुदरत की तरफ से ये था कि उन्होंने मैदान करबला में अपने खून का नजराना पेश करके दीन को बचाना सब था सबसे छोटे मुजाहिद नन्े मुजाहिद छोटा तो नहीं उन्होंने नन्े मुजाहिद मुजाहिद उन्होंने दीन को बचाना था और हजरत इमाम मोहम्मद बाखिर अलैहिस्सलाम ने नबवी की तरवीज वशात करके दीन को बकात कर बिल्कुल ठीक है बहुत खूबसूरत तमीज आइए जरा डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा इमाम मोहम्मद बाखिर अलैहिस्सलाम के बचपन के हालात की बात करते हैं आप जाहिर आपसठ हिजरी करबला बपा हुई और इकसठ हिजरी से लेके पचानवे हिजरी तक ये पैंतीस बरस का एक पूरा स्पेल है जो आपको मैसरा इमाम जामदीन आलम के ज़र सा एक तो तरबियत कैसे हुई एक बात और ज़ाहिर है जिन तकालीफ्रामा ये, ये कम ना था ये ये बााहिर एक जुमले के अंदर रवरवी में सवाल में मैं पुट तो कर सकता हूँ लेकिन इसके पीछे पूरी एक कायन साहब की करबला बपा हो चुकी है तो जिन तकालीफ से जिन अजियतों से ज़ाहिर है ख़ानदान अहबैद गुजराए वो एक साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट होता है शख्सियत के ऊपर यानी साढ़े तीन बरस का शहजादा जो है मतलब वो वो उस करबला के मैदान में क्या कुछ देख कर आया अपनी आँखों से तो वो ज़रा वो बताइए और फिर ज़ाहिर बाबा जान की शहादत होती है फिर उसके बाद ख़ानदानी और फिर इमामत की जो जिम्मेदारियाँ दोनों ही आपको अता हो जाती बताइए बिसम जुनैर से बहुत शुक्रिया बहुत बड़ी हस्ती हैं बहुत बड़ी शख्सियत है जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं जुनेैद साहब जो तारीख़ इस्लाम की बड़ी हस्तियाँ और बड़ी शख्सियात हमारे लिए नमून अमल हैं और जिनसे हम इंस्पायशन ले सकते हैं रहनुमाई ले सकते हैं उनमें सर फहरिस्त आप सम की ज़ा पाक के बाद सबा कराम के बाद ये आयम आल बैतः थार हैं बिल्कुल जुनेैद साहब आप ये देखें आय आल बैतः थार सीन अली मरतजा से लेकिन इमाम हसन अस्करी तक एक भी ऐसी शख्सियत नहीं है जिसकी मौत शहादत के अलावा हुई हो सब शहीद हुए हैं अल्लाह यानी ये अजीमत के कितने बड़े पहाड़ थे जिनकी कमिटमेंट क्या थी उन वैल्यूज़ के साथ जो कुरान और सुन्नत ने दी जो ज़ातर सालत बाब ने दी उन्होंने अपनी जिंदगी निशावर कर दी उन वैल्यूज़ को सोसाइटी में एस्टेब्लिश करने के अगर वो चाहते तो जो उनकी पॉपुलरिटी थी जो उनकी मकबूलियत थी वो पूरी सोसाइटी को आप डिस्टर्ब कर करके रखते थे बिल्कुल जिस तरह चाहते कर सकते उन्होंने कम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने मुसीबतें सही ठीक तकालीफ सही लेकिन वो जो निज़ाम हिदायत था हाँ। वो जो अकदार थी वो जो तालीम थी हाँ। उनको अपने लहू से किया। और अथार के को, के को करते हुए फितना फसाद भी यही तो महस कर रहा हूँ उनका जब्त देखें जब्त देखें क्या जब्त है आपके पास तलवार हो आप चला सकते हो लेकिन आप तलवार कंट्रोल करके वाह आप जलाल के बजाय जमाल को इस्तेमाल में ये जो जब्त है ये जो अजमत है, ये जो आली जरफी है ये जो उम्मत का दर्द है ये आपको मिलता है आपकी जो होती है मुसाइब आलाम का मंजर तो आपने अपनी आंख खोलते ही देखना शुरू किया ऐसा ही है क्योंकि इमाम हसन की शहादत हो चुकी थी बिल्कुल ऐसा तो मौजूद शहादत का जो दुख था वो तो बचपन से आपके कानों में पड़ा जी 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 उसके बाद वाक कर हुआ अच्छा अब आप ये देखें कि उस ये तीन साल तो आपने हजरत इमाम हुसैन तकरीबन साढ़े तीन साल उनकी थी? तकरीबन जितना वक्त बनता है उनकी गोद में भी गुजारा उनकी शफतों में भी गुजारा बिल्कुल उसके बाद का जो जमाना है पैंतीस साल का वह उन्होंने हजर इमाम जनहादीन के बिल्कुल गुजारा अच्छा हजरत इमाम जैनिद्दीन की शख्सियत जो थी आप देखें जिस वक्त वाक्य करबला हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि हजरत इमाम जैनिद्दीन ने एक तरह की खलबत अख्तियार कर ली और आपका वक्त किस में गुज़रता था आपका वक्त गुज़रता था इबादत के अंदर लोगों की तरबियत के अंदर जो आपके मुतवसलिन थे आपके हलके में बैठने वाले लोग थे आपके मुहबीन थे उनकी तमीर और तश्ीर किरदार के अंदर जय और वहम जो उन्होंने अपने अजदाद से लिए थे इमाम पाक से लिए थे अपने वालद ग्रामी से लिए थे उनूम के फ़रह के अंदर तो वो सारी चीज़ें भी हज़रत इमाम बाकर जो थे वो देख रहे थे और वो सब कुछ उन्होंने अखज किया इमाम पाक से अखज़ किया यही वजह आप देखें जब इमाम पाक की शहादत हुई अपना ये इमाम जानलबिद्न का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने सारी जोम थे किताबें थीं वो उनको मुंतकिल की बिठाया समझाया कि बेटा ये तुम्हारा वरसा है इस वर्षे को आपने ले कर चलना है और उनको इमामत की जिम्मेदारियाँ दी तमाम लोगों की जो ख़ानदान के लोग थे जो मुतालकिन थे उनकी तरबियत उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनकी किफालत उसके हवाले से हिदायत दी और जो सबसे बड़ा सरमाया था वो ख़ानदान नबोत के इलम का सरमाया था वाह अच्छा जिसको ख़ुद हजरत इमाम बाकर ने बयान किया आपने फरमाया मन तयर व ऊ थी ना मिनकुल्लिश ये वो चीज़ है जो हजरत समान ने कही थी सरा नमल है सलमान ने फरमाया था हमें इलम दिया गया इतना इलम दिया गया कि हम परिंदों की बोलियां भी समझते हैं आए हाय वह ऊती ना बिल्कुल कौन सी ताकत है कौन सी नमत है जो अल्लाह ने हमें अता नहीं की। तो इमाम बाकर ने यह बात फरमाई अब आ, आ, देखें कितनी जामे बात फरमाई कुरान शिफ की आयत है दो बातें कह दी फरमाया हमें एलम भी दिया गया और उस इलम की एग्जीक्यूशन और उसकी तासीर भी दी गई अल्लाह लेकिन उस तासीर को आपने इस्तेमाल कहाँ किया उम्मत की तामीर थी जहाँ उस तरफ इस्तेमाल नहीं किया जहाँ उम्मत पे जदत पड़ती थी चाहे उनको खुद तकालीफ से गुजरना पड़ा तो इसलिए तो दाता गंजा शहजूर ने लिखा ना जब उन्होंने आपकी शान बयान की इमाम बाकर कौन है आप फरमाते हैं इमाम बाकर वो हैं जो मामलत की दलील गालिब हैं यानी आपने अपने कंडक्ट को कैसे रखना है वाह इस कंडक्ट का अगर कोई डोमिनेटिंग आर्गूमेंट हो सकता है तो इमाम बाकर यानी वही बात है कि अल्लाह ताला ने आपको जो डेजिगनेशन अलॉट किया है अकॉर्डिंग टू डेजिग्नेशन जो है फिर आपने उसी अंदाज से अपने रोल को प्ले भी करना है उससे न नीचे आना है और यकीनन उसको किसी तौर से डैमेज भी नहीं करना है अच्छा अब जरा प्रोफेसर भी एक बात बताइए इमाम मोहम्मद बाखिर बाखर आल वसमिर उलूम जिनको सरकार अलैहि सल वसल्लम फरमा दें तो उनकी इल्मी वसअतों का फिर क्या ही आलम होगा और हम जैसे जाहिर मैं कम अज़ कम अपनी बात करूँ कम इल्म और कम फहम जो हैं और लाशऊर किस्म के लोग हम क्या उनकी इजार वसतों को बयान करेंगे लेकिन वही बात है उस मकाम व मरतबे को बयान कीजिए उनतों में ज़रा हिस्सा डालिए बिलखसूस ज़रा एक वाक़ा जिसको मैं चाहता हूँ और मेरे ख़ाली नाजर जो सुनने वाले हैं वो भी सुनना चाहेंगे बड़ा वो इंटरेस्टिंग वाक़ा है कि एक राहब का जब आपका आमना सामना होता है तो किस अंदाज़ से आपकी उसकी जो एक मकालमा होता है और वो जो एक यूँ कह लीजिए कि अपना सवाल और जवाब पर मबनी एक बाकायदा डिसकोर्स है उसने राहब को कबूल इस्लाम पर कैसे मजबूर किया बताइए ज़रा बिसमिल्लर वसलासलम सईदियासलीन जुनीद भरबी के एक मकूल है नूर तकबिन एक नूर है जो एक सीने से दूसरे सीने में मुंतकिल होता है मदीनातल तो से बब मदीनातल तो और बाब मदीम तो से बाूम तक ये वही नूर है जो सीना बसना मुंतकिल होता हुआ है इलम इनके दरवाजों से खैरात पाता है तदब्बर फरासत इनके सामने दस बस्ता हाजिर है और जहानत इनके सामने सर झुकाए खड़ी है और हिकमत इन से जीनत पाती है मोहम्मद रजील्लाम आपके मकाम का अंदाजा लगाइए हज़रत अब्दुल्ल अपने अताफ़ फरमाते हैं कि मैंने इमाम बाके रजी तलाम के अलावा कोई नहीं देखा जिनके सामने का इलम भी कम पड़ जाता जिनके अपने दस्तरखान से कसीर तादाद में ने खोशाचीनी की। वो साइल बनकर आपकी खिदमत में हाजिर होते थे और आपसे सवाल करते थे और आपसे इस्तीफा करते थे आपके उसी इलमी जाहो जलाल के एक मंजर है की जब आप दमिश्क से मदीना मुनवरा वापिस आ रहे हैं तो रास्ते में आपने लोगों के एक हजूम देखा जब आपने उस बारे में पूछा तो पता चला कि ये लोग इसलिए जमा है कि यहाँ करीब एक

अब उसने चार सवाल वो किए जो उसके नजदीक मुश्किल तरीन सवाल थे। तरीन थे। उनमें से पहला सवाल उसने किया कि ये बताएं वो कौन सा वक्त है जो ना दिन के औकात में शामिल है ना रात के औकात में शामिल है, आए है। आपने फरमाया फ्र से पहले का जो वक्त है, है। सूरज तुलु होने से पहले का वक्त ये वो वक्त है जो दिन में शामिल नहीं है और ना रात में शामिल है और यह जन्नत के औकात में से एक वक्त है क्या इतनी बरकत वाला वक्त है बीमारों को इस वक्त में शिफान की है दर्द को दर्द से छुट छुटकारा मिल जाता है, है। जो सारी रात सो न सके उनको इस वक्त नींद नींद आ जाती, जा जाती हाँ। है और फरमाया ये वो वक्त है कि आखिरत की तरफ रगबत रखने वालों के लिए खासुल खास ये वक्त है जो ना दिन में शामिल है ना रात में यहां जरा रुक के मैं चाहता हूं चूंकि जाहिर सुनने वाले ये ये बात निकल ना जाए बड़ी अहम तरीन बात है इस वक्त का जो एक खास तौर पर इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया जरा थोड़ा सा इंडोर्स भी कर दीजिए एक दो तो जुमलों में कि हमें चाहिए कि इस वक्त को हासिल किया करे बिल्कुल ये कितना कीमती तरीन वक्त है जी बिल्कुल ऐसे याम गफलत का शिकार हो जाते हैं लेकिन ये वो वक्त है अल्लाह ताला के हजूर मनाजात का और उसकी बारगाह में अर्ज करने का वक्त है फिर आप दूसरा सवाल आपसे हुआ कि मुसलमानों का ये जो जन्नती हैं वो जन्नत में खाए पिएंगे लेकिन कजाए हाजत की कोई कोई सूरत उनको पेश नहीं आएगी क्या लॉजिकल दलील उसने कहा भी कि कि आप ये बताएं कि दुनिया के अंदर इसकी मिसाल है आपने फरमाया बिल्कुल इसकी मिसाल है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है खुराक तो उसको मिल रही होती है लेकिन कजाए हाजत की कोई सूरत उसको बतने में पेश नहीं आती अच्छा उसने तीसरा सवाल यह किया कि आप बताएं कि जो मुसलमान है उनका अकीदा है कि जन्नत के अंदर जन्नती मेवा खाएंगे लेकिन वो मेवा कम नहीं होगा दरख्तों में बावजूद लोग इस्तेमाल करते रहे मिसाल है? बिल्कुल है एक चराग से तुम लाखों चराग आगे जला लोराग उसकी लो तो कम नहीं होती उसकी रोशनी तो अपनी जगह मौजूद रहती है उसने चौथा सवाल आपसे कौन से दो भाई थे एक ही दिन दुनिया से तशरीफ ले एक उम्र पचास साल हुई एक उम्र एक सौ पचास साल हुई वो कौन से दो भाई थे फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा हजरत उसमें मौजूद है वो और उनके भाई अजीज ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए तीस साल इकट्ठे रहे उसके बाद अल्लाह ताला ने सलाम पर मौत का कानून जारी फरमाया सो साल बाद दोबारा उनको जिंदगी अता की और उन्होंने फरमाया कि मैं तो एक दिन या उससे भी कम दिन में नींद की हालत में रहा खाना उसी तरह तरोताजा मौजूद था सौ साल बाद वो फिर प... तीस बीस साल, साल तो रहे अपने भाई के साथ हाँ। रहे तो यूं पचास साल भाई के साथ गुजारे और सौ साल वो तो फरमाया दोनों दुनिया से रुख्सत हुए एक की उम्र पचास साल थी दूसरे की उम्र एक सौ पचास साल थी राहिम ने जब यह सुना

बैत करके कबूल इस्लाम करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो क्या है। बात क्या बात क्या बात है अल्लाह सुबहानल्ला अल्लाह यानी ज़ाहिर नाजरीन देखें कहीं क... ये दीन इस्लाम की ये खूबी है कि कहीं कहीं जो है आप जब आप जब आप किसी को दीन इस्लाम का इंट्रोडक्शन देते हैं तो बहुत सी जगह पर ऐसा होता है चूँकि ज़ाहिर नज़ाम कुदरत अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है तो कुछ लोग तो इस्परिचुअली जो है फ़ौर ही दिन इस्लाम को समझ जाते हैं लेकिन कभी कभी आपको रेडिकली भी जो है ना चीज़ों को समझाना पड़ता है आपको बतलाना पड़ता है साहब के अक्ली दलायले सवाले से क्या हैं और ज़ाहिर है इमाम मोहम्मद बाख़र अली स्लम से भीतर इस बात को कौन समझा सकता है दरूद पाक सरकार की बारगाह में पेश कीजिए लौट के आपको बतलाएंगे कि आपका जोदोतवा ज़ाहिर है अम्मा अहल बैद का जोखा तो क्या ही उसकी शान है लेकिन आपने हमारे साथ जरूर जुड़े रहना है क्योंकि आज एक बड़ी इंपॉटेंट बात और ज़ाहिर है मैं आपको बताऊँ इस वक्त बैकडोर से काम हो रहा है यह जहन में रखिएगा कि टू नाइन्टी फाइव सी के ऊपर जो है वह बायदा काम किया जाए है कि ब्लास्ट के जो है, उसको किसी तौर से खत्म किया जाए लेकिन आपने किसान की मुहाजत भी की और मई को भी दवा दिया हमारे साथ जुड़े रहिए सरकार की बारगाह में उनकी हाल की बारगाह में नज़राना जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदेद कहता हूँ आय अलैद के आसमान पर इमाम मोहम्मद अली सलाम का नाम ग्रामी चमकता दमकता रोज रोशन की तरह है और रहती दुनिया तक रहेगा यकीनन उन्हीं की बारगाह में आदि यहदत पेश कर रहे हैं कि साहब ज़्यादा मोहम्मद लतीफ़ साद चिश्ती साहब फरमाते हैं कि वह बाूम हैं वो पांचवें इमाम नस्बत से मुस्तफ़ा की मिली रिफ़ते दवाम इल्म लेते हैं उन से ही खास आम। और शाक को तो पिलाते हैं वहदत की का जाम हर सम उनके फजलो करामत की धूम है उनके शरफ की शौकत सितवत की धूम है सरकार दो जहान के वो नूर एन हैं औलाद मुर्तजा हैं वो नक्श हुसैन है सज्जाद जैनुल अबदी के दिल का चैन है हैं बािरूम इमामत का जैन है बाकर सरापा नूर हैं उनका घराना नूर दादा भी उनका नूर उनका है नाना नूर बाकर को हक़ ताला ने दी खास खूबियाँ चेहरे से शरफ व फजल के आसार हैं आया, और आन से मुस्तनीर है बाकर का हर बयाँ झड़ते हैं मुँह से फूल जो हैं खोलते जुबा है बेशुमार अजमत बाखिर की जात में खुलते हजार नुकते हैं एक एक बात में उनसे हदीस सुनने को आए मुहदसिन सारे फ़की आप के दर के हैं खोशाचीन बातिन का इल्म सीखने आते हैं आरिफीन चौखट पर दीद के लिए बैठे हैं आशिकीन उनको रसूल पाक से है फ़खरे इंतसाब उनको रसूल पाक से है फकर इंतसाब अल्लाह की बारगाह में है साजिद है बारियाब जनाब तो अब आइए जरा इमाम मोहम्मद बाखिर अम का जहद तखवा और ख़ास तौर पर ने उम्मत बिलखसूस तो मैं चाहूंगा हजूर दाता गंजब्श्श्श अली हजवे रहमत का खराज तहसीन साहबज़ादा लतीफ़ साजिद साहब का कलाम भी ख़ूब है और आपके पढ़ने का अंदाज़ भी खूब है आ, 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 आपकी सताइश खूब है ख़ूबसूरत निभाया आपने अभी बहुत ख़ूबसूरत बात हो रही थी वो सुबह चौबीस घंटे में वो कौन सा वक्त है उस हवाला से प्रोफेसर मिशारत साहब बात कर रहे थे तो मुझे वो हज़रत जामी आरामद की नात का मतला याद आ रहा था नसीमा जानबा जिया वालमहद राबर कन वर्स यही वो लम्हा है जब नसीम सहर चलती है और वो मरीजों को शिफा अता कर ऐसा ही ऐसे अच्छा ये जो ख़ूबसूरत बात आपने जोद व के हवाले से आपकी शान के हवाले से सवाल फरमाया है ज़रा देखिए कि जहदो तकबा के, के अल्फाज की उस हस्ती के सामने अजमत क्या होगी जो अपने अज़ीम बाप को जो ज़ैन अब्दीन है शब रोज़ में एक हज़ार नफल परवरदिगार आलम की हज़ूर सजदारी होते हुए अदा करते हुए देखते हैं हज़रत मेरमिन मौला कायन मौलानी मुर्तम शब रोज़ में एक हज़ार नफल अदा फरमाते थे और फिर हर इमाम की ये सुन्नत और आदत रही कि वो ये इबादत की इसी कसरत को दवाम देते हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर सलाम की रातें मुसल इबादत पर गुजरती और दिन मस्जिद नबवी में हुजूर का फैज बांटने में गुजरती वह अपना रात अपने परवरदिगार के हुजूर आए, आए, गुजारते दिन परवरदिगार के महबूब की नज़रों के सामने बैठकर उनका फैज़ इलम जो था उसको तकसीम करते हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर बाकराम के तखबा की कैफियत ये है खौफ ख़ुदा की कैफियत मखलूक की ख़बरगिरी की कैफियत ये है कि गराबा मदीना और मसाकिन मदीना के घरों में हज़रत इमाम जैनदीन आलाम जब तक ज़यफ़ी में ना आए थे तो आप ख़ुद खुद खुफिया सदका देते थे तो आग उठाओ आग उठाओ अपनी पश्त पर, पर उठा कर और फिर जब आपको ज़ैफ़ी कमज़ोरी का गलबा हुआ तो ये ज़िम्मेदारी हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर बा़िर ने संभाली कि वो खुफिया सदका लोगों के घरों में पहुँचाना या अपनी अजीम वालिद की तरफ से वर्षा नाना जान की तरफ से दादा जान इमामबिया वालमरसलीम सलीम की तरफ से ये खबर गिरी यानी कलाम की माजरत वो जो हौसल के वक्त राज अफशा हुआ था या उसके बाद कि जी सौ घराने तकरीबन कमोबेश जिनमें आप खुद अपनी मुबारक पीछ के ऊपर बोरियां उठा उठा के पहुंचाया कर तो उस लेगेसी को फिर आपने कंटिन्यू किया अच्छा हाँ। वो जो बहुत ही खूबसूरत अल्लाह ताला ने शान बयान की है सूरह दहर में वयुन तमाम ये खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में व यतीमम क्या ये अल्लाह ताला ने गोया इसमें बड़ी खूबसूरत और नफीस कुदरत का तो कलाम कलामी खालिक के कायनात का, का। लेकिन उनकी शान का ये खास पहलू कुदरत ने उजागर ये किया है कि इन्हें खाने से रगबत नहीं है ये खिलाने वाले वा 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 वा। ये खिलाने वाले साहिब दस्तरखान हजरत दाता गन बख्शली और दीगर जो अकाबरीन के हवाले से आपने बात की तो हज़रत कशफुल महजूब का बड़ा ही खूबसूरत जो अंदाज़ और इस्लूब बयान है किसी भी शख्सियत का तस्करा करने से पहले आप जो उनके अलकाबात को बयान करते हैं उसमें पूरी शख्सियत कीक्कासी हाँ। ये हज़रत फैज़ आलम का फैज़ है हाँ। कि अलाबात में ही जो है वह हाँ। अक्सी खास है यह आपका है अब कशफलमाजूब को अगर हम देखें तो चूँकि उसका सब्जेक्ट और ये है कि हिजाबात को कैसे दूर किया जा सकता है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान जो हिजाबात हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है तो आपने हज़रत इमाम मोहम्मद बाखर सलाम का जिक्र खैर करते हुए फरमाया कि अहल मामला की दलील अहल मामलत की दलील अब इस एक लकब को ही अगर हम मुख्तसर वक्त के मुताबिक एक लकब को ही अगर हम समझें तो वो ये कह रहे हैं आप फरमा रहे हैं हज़रत फैज़ आलम के सालिकान राह तरीक़त यानी अहल मामला वो है ना जिनका जिक्र कशुलमाजूब में आ रहा है बिल्कुण, जिनके लिए वह रहनुमा किताब लिखी जा रही अहल मामला की दलील मामलत यानी जो इस राह के राही हैं सालिखाने राह खुदा राह तरीक़त जो हैं उनके लिए जिस हस्ती के नक्शे कदम दलील बनते हैं वो हजरत इमाम मोहम्मद क्या कहना बासल एक लकब में इतना कुछ समोकर रखती है ये हजू आलम की बरकत और उनकी शान है इसी तरह हजरत इमाम मोहम्मद बाखर हाँ। का जो इलमी खूबियां तो वो तो बेकिनार हैं हाँ। उस पर तो बहुत प्रोग्राम दरकार है लेकिन एक जुमले में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त आलम इस्लाम की सबसे पहली यूनिवर्सिटी मदीना

आज ज़ाहिर है हम रोज़ खबरें देख रहे होते हैं और मैं थोड़ा सा मलफूफ़ करके बात करना चाहूँगा कि मजबूरी है साहब क्या करें कि मसला ये है कि साढ़े चौदह हज़ार अरब रुपए का बजट तो आ गया आईएमएफ के आगे जो है यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर हो रहा है बात ये वो जो कहता है वो करते हैं और वो सुनी दिए ये कि खुदा ना खासा ये 295 सी पे भी बात आने वाली है क्योंकि जैसे ट्रांसजेंडर्स एक्ट की बात हो रही है ये हर सूरत बाय होकर बाय बाय्रोक लागू होना ही होना है वुमेन प्रोटेक्शन बिल का मामला है 2003 में चले जाइए ना हदूद ऑर्डिनेंस की बात वहाँ से बात शुरू हुई है ना इंटरवीन तो वहाँ से करना शुरू किया है तो आपकी नॉम्स आपकी आपकी हदूद के मामला हर एक के अंदर वो इंटरविन करेंगे वजह क्या है आप बैगर्स कैन नॉट बी अ बूजर्स आप हैं आपको मानना पड़ेगा भिकारी और आपने अपना सर जो झुकाया हुआ है मसला यह कि इमाम मोहम्मद बाक़र इस्लाम ने उस वक्त बताया कि बैक्त वक्त इस्लाम में सिक्के की इब्तदा यानी अपनी करंसी भी जारी हो सकती है मीशत को संभाला भी जा सकता है और नामों से रिसालत पर कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं हो सकता वो जो तारीख़ी वाक़ साहब वो बताइए कि एक ही वक्त में आपने सब काम करके दिखा दिए हम एक काम आज नहीं कर पा रहे जुनेद साहब आपने एक ऐसी हमारे कौमी मसले की तरफ इशारा किया है जिसके वाले से हमें बड़ी रनमाई मिल सकती है हज़रत इमाम बाखर की जिंदगी से जो न साहब पूरी तारीख इंसानी को उठा के देखें आपको मैं तलबिल्माना गुजारिश कर रहा हूँ एक मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी किसी कौम ने अपनी माशी बका के लिए कंप्रोमाइज़ किया हो वैल्यूज़ पर और फिर वो बाकी रही हो ठीक आपको मिसाल नहीं जो कौम फाका कशी करके अपने कदमों पे खड़ी हुई वही कौम जिंदा रही वा, वाह वाह डॉक्टर साहब चाइना की मिसाल क्या डॉक्टर तो उन्होंने क्या किया था किस तरह अपनी कौम को खड़ा किया उन्होंने कहीं हाथ नहीं फैलाया वाह तफसील का जाने में वक्त नहीं है, सही। आज वो की सुपर सही। है। ये जो रास्ता हम चुन रहे हैं ये बका का रास्ता नहीं है। सर, ने भी क्या किया है, है। निकाल वार। निकाल जी नहीं, नहीं चाहिए। अपने बार। फाकों पर जरूर आ जाए अपने कदमों पर खड़ा हूँ यही हमारे मुफ्कर इकबाल की सोच है खुद ही ना बेच खुद ही बेच के आप बच सकते ही नहीं हैं अब इमाम बाकर से कैसा इसकी तालीम मिलती है देखें हजरत उम्र के ज़माने में इस्लामी सिक्के शुरू हो गए ठीक आपने दिरहम का आगाज किया लेकिन अभी तक इस्लामी सिक्कों पर दो मामले थे एक तो यह कि ईरानी और रूमी असरा मौजूद थे हुँ। दूसरे इस्लामी सिक्के पूरी इस्लामी ममलकत में नहीं थे नहीं थे ठीक है बहुत सी ऐसी चीजें थी इस्लामी ममलकत के अंदर सिक्के या मुख्त चीज़ें जिसकतों जो रोमन अम्पायर थी उसके ट्रेड मार्क्स चल रहे थे अच्छा इसमलक बिन मरवान का जमाना आया

अब वो अब्दुल मलिकान ने मशावरत काल की कोई हल ना निकला तो उसके वजह ने कहा इमाम बाकर से क्यों नहीं रहनमाई लेते वही है हजरत इमाम बाकर को बुलाया गया आपने फरमाया बड़ा सादा हल है और उस वक्त तो मदीने मदीने पाक पाक में में थे, में थे। हाँ, आपको स्पेशल मैसेज कैपिटल बुलाया गया आपने फरमा इसका बड़ा सादा हल है आप अपने सिक्के जारी करें और पूरी इस्लामी ममलकत में जारी करें जब आपके अपने सिक्के राइज हो जाएंगे तो कोई दूसरा अपने राय नहीं कर सकेगा उस पर जब फैसला हो गया तो अब्दुल मलिक मरवान ने आप अच्छा आपने ये भी बताया कि सिक्कों पर लिखना क्या है देखिए फॉर फर्स्ट टाइम इस्लामी सिक्के पे इस्लामी शायर कलमा तोहिद लिखा गया अशद अच्छा और उसके बाद कुल वल्ला वहद लिखा गया दूसरी बात सरकारी इसमें ग्रामी लिखा गया और दूसरी बात इमाम बाकर के कहने पे पहली मरतबा सिक्के के इजरा की तारीख लिखी गई तारीख बात, और आपने का तरीका जब ये काम हो गया और सफीर ये मैसेज लेके वापस गया तो कैसे रूम ने कहा तुम्हारे पास कुछ बचा है नहीं अब हम क्या कर सकते हैं क्योंकि सिक्के तो उनके चल रहे हैं जो चीज हम करेंगे वो तो डस्टबिन में जाएगी वो दरवाजा वहीं रोक अब यहां चाहूँगा। अब उसने क्या किया इसके नतीजे में उसने इस्लामी किया जंग हुई और इस जंग को कहते हैं बैटल ऑफ सेबिस्टोपोलिस हुई जुनेद साहब सिक्स टू में इसलिए रस कर रहा हूं अच्छा। जब अपनी वैल्यूज पे कंप्रोमाइज करते हैं आपके लिए बकाकर रास्ता नहीं होता ओके अब्दुल मलिक मिन बर ने

दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रहना वाह मेरा ख्याल है ये क्लिप क्लिपकार्ट के खास तौर पे जो है इसको एक्सप्लोर किया जाए ताकि लोगों को अक्ल आए साहब अकल आए कि मतलब अपने मरकज से हटोगे तो खाक हो जाओगे अफसानों में ढल जाओगे बस बात यह कि अपने मरकज पर खड़े हो जाओ मरकज सरकार हाथ से देकर अगर आजाद हो मिलत ऐसी में मुसलमान का खसार आइए जरा प्रोफेसर फाइनली अब जाहिर है ये ये इमाम मोहम्मद बाखिर का तो एक ऐसा कारनामा है साहब कि रहती दुनिया तक हमें हमारी हमारी गैरत को झंझोड़ता रहेगा कि तो जरा हमें अक्ल लेनी चाहिए एक मौका और है साहब वो बड़ा आ, ऐसा मौका है कि जिस पर मेरा ख्याल गुफ्तु होनी चाहिए और वो इमाम मोहम्मद बाक़र आलम के तौर पर मकाम को माजलल्लासम माजल्ला अब धार अब, अब, अब्दुलमलिक देखने के बावजूद भी जो है उसकी औलाद जो है फिर वही बात अजीब काम आपाम अब, बिन अब्दुलमलिक की हम बात करते हैं तो उसने बाकायदा आपको चैलेंज किया था ना मतलब माजल्ला आपकी तस्दीक करने की कोशिश की थी लेकिन उसको पता चल गया था कि बुनियादी तौर पर आपको मकाम मरतबा क्या तो वो, जो वो जरा बताइए फिर ज़ाहिर आपके साथ वही झुलम ज़्यादा का बाज़ार गर्म किया गया वही तसलसल वही सारे मामला फाइनली आपकी शहादत बताइए जुनेद भाई जिस वक्त अब्दुल मलिक बिन मरवान के बाद इशाम बिन अब्दुलमलिकख पर बैठा तो इसके बाद वो अजय बैतुल्ला के लिए आया इस दौरान उसने मस्जिद आराम में हजरत इमाम मोहम्मद बाके और तमाम को देखा तो उसके जहन में ये सवाल आया कि इनसे एक ऐसा सवाल किया जाए मुश्किल सवाल जिसका ये जवाब न दे सकें और लोगों के सामने इनको खिफत उठानी पड़े अब सवाल उसने ये पूछा और किसी के जरिए पूछा भेज के पूछा कि आप इस सवाल का जवाब दें कि जिस वक्त मैदान हशर के अंदर हशर वपा होगा तो आखिरी सवाल से पहले जो वहाँ लोग होंगे मैदान हशर में वो क्या क्या, क्या खाएँ पियेंगे उनका खाना पीना क्या होगा आपने फरमाया जवाब में फरमाया कि वहाँ मेवादार दरख्त मौजूद होंगे और उन मेवादार दरख्तों से वो फल लेकर खाएंगे जिस वक्त ये जवाब पहुँचा शाम पिन अब्दुल मलिक को उसने कहा कि मैं इस जवाब को दुरुस्त तस्लीम नहीं करता यह जवाब गलत है क्योंकि वहाँ नफसी नफसी का आलम होगा आरे को अपनी जान के लाले पड़े होंगे मैदान अशर के अंदर तो खाने की फिक्र किस को होगी वहाँ खाने पीने का मसला होगा ही ना अब यह सवाल उनसे पूछा गया था जो आलिम जिनों इनसे और फकी है जिनों इनसे और जिन्होंने खुद यह ऐलान फरमाया था कि जन्नात भी आकर मुझसे अल्लाह अल्लाह सवाल चूके उनसे पूछा था जब उनके पास दोबारा यह बात पहुंची कि कहता है कि आपका जवाब गलत है तो आपने फरमाया तुम बिन अब्दुल मलिक से कहो तुमने कुरान नहीं पढ़ा तुम कहते हो कि मैदान में लोगों को खाने पीने की फिक्र नहीं होगी क्योंकि मामला सख्त होगा तो उससे कहो कुरान तो यह कहता है कि जो जन्नमी है वो जन्नतियों से खाने पीने का सामान मांगेंगे और जो जन्नती है मोमिन वो उन जन्नमियों से कहेंगे कि जन्नत की नमतें काफिरों पर हराम की गई हैं लिहाजा तुम्हें नहीं दिया

इस पर जो हिशाम बिन अब्दुल मलिक था उसने कहा कि मैं इमाम मोहम्मद बाकी रज़ी तुम मन की फ़ाम व का मैं मुक़ाबला नहीं कर सकता बाकी बाकिरूम जिस बुनियाद पर आपका लकब था वह आपके इलमी रूहानी फैज़ान जब फैलता गया तो ये बात हुक्मरान वक्त के लिए नाकले बर्दाश्त थी लिहाजा आपको दमिश बुलाया गया कैद किया गया कैदखाने के अंदर आपने खुतबा दिया वो ऐसा खुतबा था कि जिसने कैदियों के अंदर एक कोहराम बपा कर दिया मशीनों ने मशवरा दिया इशाम को कि अगर ये चंद दिन यहाँ और रुके तो मामला और ख़राब हो जाएगा लिहाजा इनको वापस मदीना तयबा भेज दिया जाए आपको कैद खाने से निकाला गया मदीना तयबा तो रवाना किया गया लेकिन साथ ही शाम ने ऐलान किया कि रास्ते में जितने खाने पीने के जराए हैं उनको बंद कर दिया जाए भूख और प्यास के साथ आप मदीना तयबा की तरफ सफर जारी रखे हुए थे दिमश के एक करीब एक बस्ती पर आपको जहर दिया गया जिससे आपकी शहादत हुई मदीना आपके जस्ते हथकर को लाया गया और राकेब दो सैयदिया इमाम हसन मुशतबा और सैयद सज्जाद इमाम जैन दीन अलसाम इनके पहलू में आपको दफन Allah. किया गया आपने इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तुन को जो वसीयत फरमाई थी आपने उन को पैगाम दिया कि हमारी नजर आखरत पर होती है दुनिया पर नहीं फरमाया तीन कपड़ों में मुझे कफन देना एक चादर वही है जिसमें मैं नमाज पढ़ता हूँ एक यमनी चादर है नबी नबीम की सुन्नत है और एक कोई दूसरी चादर मिलाकर इन तीन कपड़ों के अंदर कफन देकर जन्नतुलबकी के अंदर आपकी तदफीन इन दोनों शहजादों के पहलुओं में की अल्लाह अकबर बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह जलाकल्ला बरोज़ में इमाम की खसूसी नजर इनायत नसीब आइए किताब शिफ़ा की जानब आपको लिए चलते हैं गुमशुदा बच्चे की बाजियाबी का वजीफा कि अगर किसी का बच्चा या गुलाम गुम हो जाए जाए तो हर फर्ज नमाज के बाद अब आखिर सात बार दरूद इब्राहिमी के साथ अल्लाह तसम ग्रामी या मुबी या मईद का तीन सौ तेरह बार व्रत करें इन शाह गुमशुदा बच्चा मिल जाएगा हजरत इमाम मोहम्मद बाखिर अलीलाम का कौल मुबारक है कि एक नफ़ा पहुँचाने वाले आलम आलिम सत्तर हज़ार आबदों से बेहतर है आलिम की सोबत में लमहबर बैठना एक साल की इबादत से बेहतर है रोजनामा नाइनटी टू न्यूज़ में आज मजमून जरूर का हज़रत इमाम मोहम्मद बाखिर के हवाले से ट्विटर पर मैं फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिए हमारे साथ मुल्क के मुतासन खा जनाब प्रोफेसर मोहम्मद अयूब भट्टी साहब मौजूद हैं आपको खुश आहमदीद असलम और आपसे मनकवत का नजराना भी पेश करवाएंगे तो आप यहाँ मौजूद साहब हम भी यहाँ मौजूद हैं आइए मिल के नारा लगाएंगे

मोहम्मद नाम है प्यारा लकब نورانی محمد मोहम्मद नाम है प्यारा लकब ہے نورانی अली

सही सर्थ थे आज पर रहती थो की फैज अरजानी हका सिखाते थे वो साजिद बातें से कुरानी मोहम्मद नाम है प्यारा लकब बाकिर है नूरानी अली मौला की निस्बत से मिलीवलियो कीशो